चार्ज मूव्स विदाउट कोलिजन थ्रू द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर पे वो बिल्कुल पानी की तरह चलता रहे, कहीं टक्कर ना मारे, देयर काइनेटिक एनर्जी विल चेंज। सही बात है, टक्कर नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बढ़ ही जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं है उसको, सो दैट द टोटल एनर्जी इज। तो देखिए आप किसी भी, जैसे आप पहले मैकेनिक्स में पढ़ते थे कि टोटल एनर्जी क्या होती थी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ही यहाँ पे भी टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी तो होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रहेगी, जिसको भी इलेक्ट्रोस्टैटिक काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं आप, हालांकि इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, चार्ज का जो वेलोसिटी होगा उसके हिसाब से होगा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी उतनी ही रहेगी जैसे यहाँ पे रहती थी, अगर मान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी ताकि टोटल एनर्जी बनी रहे, अगर कुछ ऐसा होता है कि काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी जिससे कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहे। तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना। तो अनचेंज्ड कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड, द करेक्ट ऑप्शन इज बी।